नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज हाउ वी कैन सेट द ऑडियंस तो स्टूडेंट हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था अब देखें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्योंकि सेट हो गया यहाँ पे अब टिक मार्क कर दिया नहीं ये वाला स्टेप हो चुका हुआ यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगा तो इट विल अगेन टेक बैक मी टू द सेम फिट इन थिंग तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक किया तो मेरे सामने अगला स्टेप आ गया अब ये जो अब हम यहाँ पे सेटिंग करने लगे हैं ना अब हम एड की सेटिंग में ट्रैफिक जो जनरेट करनी है उसको थोड़ा प्ले डाउन करते हैं अब ये देखिएगा अब यहां मुझे ये बताना है कि एड सेट का नाम क्या है अब मैं यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाऊंगा नाउ आई एम सेटिंग द पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट मैं अब लिखता हूँ कि जी स्कीइंग एक्सेसरीज मैं इसको रीनेम कर दिया अब यहाँ पे जो ये ट्रैफिक वाला पैनल है ये अब आपने जरा बहुत ध्यान से देखना है वो ये है कि आपकी जो ट्रैफिक है क्या वो वेबसाइट से ज्यादा ड्राइव होगी यानी नॉर्मल जैसे मैं अभी लॉगिन हुआ हूं वेबसाइट से यानी ब्राउजर यानी लैपटॉप को यूज करते हुए या कंप्यूटर को यूज करते हुए मोबाइल नहीं क्या उन लोगों तक आपका ऐड पहुंचे नंबर वन नंबर टू जो लोग ऐप यूज करते हैं फेसबुक की मोबाइल के ऊपर क्या उन लोगों तक तो आपका एड पहुंचे ये मेरे पास दूसरी ऑप्शन है तो अब आप यहां पर देखें कि जैसे ही मैंने ऐप पे क्लिक किया तो जस्ट लुक एट द ऑडियंस साइज यहां मुझे लिखा हुआ आ रहा है योर ऑडियंस सिलेक्शन इज फेयरली ब्रॉड और यहां पे देखें जस्ट लुक एट दिस फिगर दिस इज अराउंड तीन करोड़ दस लाख लोगों को मैं रीच आउट कर सकता हूं वाया दिस एड जो मैं एड बनाने जा रहा हूं ऑब्वियसली बजट पर डिपेंड करेगा कि हाउ मच आई वॉन्ट टू स्पेंड लेकिन जस्ट लुक एट दिस पोटेंशियल फिगर तीन करोड़ दस लाख लोगों तक ये एड मेरा पोटेंशियली पहुंच सकता है अगर मैं ऐप को यूज करूंगा मैंने पहले वेबसाइट को किया था तो वो तीन करोड़ बीस लाख था अब मैं अगर मैसेंजर पे क्लिक करता हूं तो मैसेंजर पे कोई तीन करोड़ लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं वॉट अ मैसेंजर इज एक्चुअली कि जो फेसबुक ने अपना चैट मैसेंजर दी है जिसके थ्रू हम लोगों से बात करते हैं अगर मैं उन लोगों तक तो आपका ऐड पहुंचाना चाह रहा हूं तो अब आप देखें ये तीन डिफरेंट तरह से अपने ऐड को आप मार्केट कर सकते हो तो मैं लेट सपोज वेबसाइट पे ही मैं रहता हूं उसके बाद जो मेरी ऑडियंस है ऑडियंस से मुराद ये है कि आप क्या पाकिस्तान में सिर्फ ऑडियंस तक अपना एड पहुंचाना चाहते हैं दुनिया के किसी और कंट्री में पहुंचाना चाहते हैं कहां पहुंचाना चाहते हैं वट डज इट मीन इससे मुराद ये है कि मैंने अब यहां लिखा पाकिस्तान तो मैं यहां पे अब और लोकेशन भी लिख सकता हूं लेट्स सपोज मैं लिखता हूं दुबई तो अब दुबई में ड्रॉप डाउन में आ गया अब आप ये देखें कि अब लोकेशन में आ रहा है यानी एवरी इन दिस लोकेशन यानी एक तो पूरा पाकिस्तान हो गया फिर दुबई हो गया मैं ये लिख सकता हूं इंक्लूड या एक्सक्लूड यानी क्या मैं सिर्फ इन दोनों मुल्कों की ऑडियंस को रीच आउट करना चाह रहा हूं या इन दोनों मुल्कों के अलावा सबको रीच आउट करना चाह रहा हूं जस्ट ट्राई टू सी दीज स्टैट्स इन पैनल एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट रीच आउट अठारह हजार से अस्सी हज़ार एक दिन में अगर मैं ये टारगेट ऑडियंस रखूं जिसमें पाकिस्तान और दुबई है तो अठारह हजार से अस्सी हजार लोगों तक तो मैं रीच आउट कर सकता हूँ और 260 से लेकर 1600 सो नंबर ऑफ क्लिक्स आई कैन रीच आउट ये तो हो गई लोकेशन की सेटिंग एंड ऑब्वियसली आई कैन ऐड मोर मैं लेट सपोज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख देता हूँ और ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया जस्ट ट्राई टू लुक आउट अब जैसे ऐसे मैं जैसे मैं एरिया ब्रॉड करता जाऊँगा जैसे जैसे मैं अपनी लोकेशन ज़्यादा करता जाऊँगा तो या एस्टिमेटेड रीचेज देखें ये कम होना शुरू हो जाएंगे तो ये इसका एक एल्गो है फेसबुक का जितनी ज्यादा आप लोकेशन ऐड करते हैं तो पोटेंशियल उतना ही कम होना शुरू हो जाता है यानी आपकी लोकेशन की बेसिस पे ऐड ने पहुंचना है लोकेशन और जो इंटरेस्ट है उसके बाद ये लोकेशन हमने ऐड कर दी इसको बहुत ध्यान से आप लोगों ने ऐड करना है यानी डोंट ऐड द होल वर्ल्ड देखने में यही लगता है कि सारी दुनिया को आप रीच आउट कर जाए लेकिन हैव टू कीप दिस सिंग इन माइंड के जो एस्टिमेशन है यानी जिन लोगों तक आप पहुंच सकते हैं वो बेसिकली आपने यहाँ जरूर ख्याल रखना है ये स्टेप नंबर टू था ट्रैफिक का अब लेट सपोज ऑडियंस अब ये बहुत क्रिटिकल चीज है यानी आपकी कंपनी है वो यूथ के लिए है फॉर एग्जाम्पल लोग क्रिकेट बैट सप्लाई करते हैं या स्कीइंगेट सप्लाई करते हैं तो यू हैव टू सेट द एज यानी किस एज ग्रुप के लोगों तक या ऑडियंस तक आपका ये एड पहुंचे डिफॉल्ट ये 18 से 65 फाइव हुआ होगा तो यू कैन चेंज इट आप कहते हैं ये से लेकर रीच आउट करे सिर्फ उन लोगों को जो लेट सपोज 40 तक है तो नाउ यू विल सी ये डेली रिजल्ट भी चेंज हुए हैं और नंबर ऑफ क्लिक्स भी चेंज हुए हैं मैंने यहां पे सिर्फ कर दिया कि सिर्फ लोगों तक यानी मैन तक पहुंचे तो जस्ट सी द क्लिक्स सोलह हजार से एक लाख हो गया और ये चीजें आप याद रखें ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मतलब ये चीजें ड्राइव हो रही हैं आपकी लोकेशन से आपकी जो एज ग्रुप होना चाहिए उससे एंड देन आपका जेंडर क्या होना चाहिए ये जेंडर वो जेंडर है जिन लोगों तक तो एड ने पहुंचना है तो लेट सपोज इफ आई रिड्यूस दिस एज फ्रॉम फोर्टी टू लेट सपोज थर्टी एंड ऑल मैन तो नाउ यू कैन सी यानी जो क्लिक्स है वो रन टाइम पे चेंज हो रहे हैं यानी ये फिक्स नहीं है उसके बाद लैंग्वेज में कर देता हूं लेट सपोज इंग्लिश अगेन उसने की किए मैं लेट सपोज यहां पे ऐड करता हूं उर्दू फॉर एग्जाम्पल अब आप देखें कि वो रीकैलकुलेट कर रहा है रिजल्ट को यानी अब ये जो हम लोग कंपेन की ऑडियंस को सेट कर रहे हैं इससे मुराद ये है कि एटीन से थर्टी एज ग्रुप है सिर्फ मेन यानी सिर्फ जो मेल्स हैं उन लोगों तक ये ऐड पहुंचेगा इंग्लिश उर्दू दे कैन दे शुड बी एबल टू रीड स्पीक और राइट और लोकेशन है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और दुबई यू कैन रिमूव एनी लोकेशन ऑल्सो और उसके बाद आप अब ये बताएंगे कि आप उन लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं जो इन चीजों को मैच आउट करता है फॉर एग्जाम्पल डेमोग्राफिक्स एजुकेशन एजुकेशन लेवल एसोसिएटेड डिग्री नाउ जस्ट ट्राई टू लुक एट द फिल्टर लेवल डिटेल यानी हम ये कह रहे हैं इसकी वजह से कि इंक्लूड दोज पीपल हु मैच एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग अब ये बहुत मुश्किल होता है कंपनीज के लिए विदाउट दिस सॉर्ट ऑफ कंपेनि फेसबुक ना होता तो अब अब हम इस कंपेन में ये कह रहे हैं कि जो मैं ऐड बनाने जा रहा हूं वो ऐड मेल्स के लिए है 18 से 30 उनका एज ग्रुप है पाकिस्तान और दुबई में वो रहते हैं यानी उनकी लोकेशन है और एजुकेशन स्टैंडर्ड उनका एसोसिएट डिग्री है ये हमने बहुत नैरो डाउन कर दी है ये बहुत मुश्किल होता है मार्केटिंग कंपनीज के लिए या कंपनीज के लिए एडवर्टाइजर के लिए इतनी फोकस किस्म की मार्केटिंग कंपेन लॉन्च करना तो आप यह भी कर सकते हैं मैं इसको अगर रिमूव कर दिए तो अब एजुकेशन लेवल नहीं है हमारे पास यानी हर वो चीज जो डिटेल टारगेटिंग के लिए जरूरी है वो यहां मैंने अभी फिलहाल हटा दी है और इसके बाद मैं इस ऑडियंस को कर लेता हूं सेफ ये हमारा स्टेप नंबर टू टू क्रिएट अ कंपेन यहां पे ख़त्म हो जाता है